शराब का दुष्परिणाम क्या है? एक और दोस्ती का प्रतीक जोश भरना तो दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक और दैहिक कष्ट होता है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से शरीर में रोगों का विकास होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करता है। एक बार की बात है, कालिदास ने शराब विक्रेता से पूछा कि इस घड़ा में क्या है, तो शराब विक्रेता ने कहा कि इसमें अशांति, कलह, बेईमानी, उत्तेजना भरा हुआ है और यह नरक की ओर ले जाता है। गांधी जी ने एक बार कहा कि मैं भारत को गरीब देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ के व्यक्तियों को शराबी नहीं देख सकता हूँ। इस तरह से शराब की समस्या है, शारीरिक कष्ट है, इसका प्रयोग करने से कहा जाता है कि मस्तिष्क की तंतु धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लगभग 10,000 तंतु समाप्त हो जाती है। गला का कैंसर होने की संभावना रहती है। धीरे धीरे यह परिवार को, समाज को खाई की ओर ले जाता है। शराब का सेवन करने से सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अक्सर देखा जा रहा है कि शुरू में शौक होता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा कम होने लगती है। श्रमिकों में इसकी संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण श्रमिकों का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। 1991 में दिल्ली में जब सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि जहरीली शराब से 200 व्यक्तियों की मौत हुई। रांची के मानसिक अस्पताल में जब सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि 30% व्यक्ति शराब सेवन के कारण मानसिक अस्पताल पहुंच गए हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि शराब का सेवन करने से सामाजिक, आर्थिक और दैहिक नष्ट होता है। धन्यवाद।